बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन अंडर द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट टीचर। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट टर्म। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड टर्म। एज यू ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ऑर्डर we have to start our online classes again. So inshallah, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में अच्छा हमें रिस्पॉन्ड किया, इसी तरह उम्मीद है, we hope that you will be attentive in this term. इस टर्म में भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपना रिटन वर्क और लर्निंग को डेली बेसिस पे प्रॉपर रखेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, ताकि आपको सेकेंड टर्म एग्ज़ाम देने में आसानी हो, अगर आप डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग, रिटन वर्क, सारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप उसको प्रॉपर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम टू आवर सेकेंड टर्म्स फर्स्ट लेसन। सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन हमारा क्या है? ओपन पेज 58। Yes students, on page 58 we have unit number 4, the value of labor. Value of labor means mehnat ki ahmiyat, theek hai? Through this chapter we learn more. Hum kuch aur bhi cheezein isme seekhenge. मेहनत क्या है आपको पता है? मेहनत करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। सो थ्रू दिस इंशाल्लाह, थ्रू दिस टेक्स्ट वी विल लर्न मोर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग टेक्स्ट, आई हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेक्स्ट, ठीक है? मेरे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं जिसे मैं सवाल करूँगी। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या है? डू यू नो इट? ओके, यस स्टूडेंट, अ डायरी इज अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। डायरी क्या होती है? डायरी एक ऐसी किताब है जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पे इवेंट्स को, किसी कोई बात है, कोई तकरीर है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा तजुर्बा जो हमें होता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी उसमें लिखते हैं। एंड वॉट इज द यूज ऑफ इट और वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरी राइटिंग? अब डायरी राइटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं, तो ये देखिए, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली वर्क। कितना आसान है, हम डायरी में रोज़ाना का जो हम काम करते हैं उसको हम लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है। इट मेक्स राइटिंग बेटर। डायरी क्या करती है? हमारी राइटिंग को भी बेहतर करती जाती है। इफ वी आर यूज टू राइट, अगर हम आदी होंगे लिखने के, तो हमारी राइटिंग भी खुद बखुद ठीक होती जाएगी। बूस्ट योर मेमोरी क्या करती है? अब मेमोरी को बूस्ट करती है। समटाइम्स अगर आपको ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ लिख दी, फॉर एग्जाम्पल एक महीने पहले हमने कोई चीज़ लिख दी, अब हमें एक महीने के बाद अगर हम उस डायरी को खोलते हैं तो फौरन हमें वो रिकॉल हो जाता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिकॉल योर मेमोरी, यानी हमें कुछ चीज़ें याददाश्त हमारी, उससे भी उसमें हमें याद चीज़ें आ जाती हैं। सेट एंड अचीव योर गोल्स। कभी कभी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फिर क्या होता है, हम उसको अक्सर लिख लेते हैं, एंड दैट इट हेल्प्स टू फिर आप अपनी जो भी आपकी एम है, कोई जैसे किसी को कोई डॉक्टर बनना है, किसी को कोई इंजीनियर बनना है या कोई और आलिमा बनना है, सो फिर क्या होता है, कभी कभी बच्चे उसको लिख लेते हैं कि भाई मैं तो आलिमा बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, और आप कभी 2 साल बाद 1 साल बाद उसको पढ़ते हैं, जैसे अभी आप 6th में हैं, आप मैट्रिक में जाएंगे, देन यू आप अपनी डायरी को दोबारा खोल के देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा अरे मैंने तो ये लिखा था, एंड देन बूस्ट मेमोरी और फिर आपको आपके गोल्स को वो सेट करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने बेनिफिट भी पढ़ लिया और डायरी क्या है वो भी जान लिया। नाउ लेट्स कम टू द रीडिंग टेक्स्ट। अब रीडिंग टेक्स्ट पे आते हैं। ओके, रीड विद मी, मेरे साथ रीडिंग कीजिए, ठीक है?
एक एक वर्ड को सुनिएगा। शाबान इज अ यंग बॉय हु इन बदीन सिंध। बदीन सिंध का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे ये वहाँ के बारे में बताया था। हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू बिकम अ ग्रेट मैन, सो ही वॉन्ट्स शाबान टू स्टडी वेल एंड टू वर्क हार्ड। शाबान गोज टू स्कूल डेली एंड ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। ही ऑल्सो राइट्स वॉट ही डज एवरी डे इन हिज डायरी। अच्छा, शाबान तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, तो ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ। शाबान इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन बदीन सिंध। शाबान एक बच्चा, छोटा बच्चा, और वो बदीन में सिंध में रहता है। हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू बिकम अ ग्रेट मैन, सो ही वॉन्ट्स शाबान टू स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड। शाबान के वालिद उससे चाहते हैं कि वो एक बड़ा आदमी बने। अच्छा, बड़ा आदमी में क्या होता है, जैसे किसी कोई मुकाम पे पहुंचता है, कोई पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, तो उसके वालिद की भी यही ख्वाहिश है। सो ही वॉन्ट्स शाबान टू स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड। तो शाबान से वो चाहते क्या हैं कि वो अच्छा पढ़े। इसी तरह हम भी आपको कहते हैं ना कि स्टडी वेल, अच्छा पढ़िए, आपके अम्मी अबू भी ऐसे ही कहते होंगे आपको, एंड टू वर्क हार्ड। देखें, एक तो बच्चे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी घर के काम हैं या कोई और जिम्मेदारी उनको होती तो उससे थोड़ा सा जान चुराते हैं। लेकिन शाबान के वालिद ने उसको एक उसको कहा कि पढ़ो भी और काम भी करो। अब उसमें काम में क्या होता है, घर के काम वगैरह, हाँ, वर्क हार्ड, मेहनत भी करो, ठीक है। तो ये उसके वालिद की ख्वाहिश थी। शाबान गोज़ टू स्कूल डेली एंड ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम। शाबान गोज़ टू स्कूल डेली, शाबान रोज़ स्कूल जाता है। तो एक बात और भी कि पंक्चुअलिटी होती है ना किसी चीज़ की पाबंदी, तो उससे बहुत अच्छा स्टूडेंट्स पे असर पड़ता है, उससे उनका काम, उनकी लर्निंग, हर चीज़ प्रॉपर होने लगती। तो सो शाबान गोज़ टू स्कूल डेली, हर दिन वो जाता, कोई छुट्टी वो नहीं करता था। एंड ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, और अपने काम को, अपने होमवर्क को वक्त पर करता है। ही ऑल्सो राइट्स वॉट ही डज एवरी डे इन हिज डायरी। अब देखिए, ये वो लिखता है वॉट ही डज एवरी डे, जो भी काम वो रोज़ाना करता है, इन हिज डायरी, अपनी डायरी में लिखता है। अब यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरी। डायरी क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी आपसे सवाल किया था उसमें मैंने आपको बताया था। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल करूँ, इफ़ यू हैव टू राइट समथिंग इन योर डायरी एवरी डे, वॉट विल यू राइट। अगर कोई मुझसे ही सवाल करे कि भाई अगर आपसे कहा जाता है कि डायरी लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? सो आई विल राइट माई मेमोरीज, माई एक्सपीरियंसेस, माई डेली वर्क्स। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं रोज़ाना का काम या रोज़ाना की कोई बात या रोज़ाना का कोई भी इवेंट होगा या कोई भी मुझे नई चीज़ मालूम होगी, वो मैं अपनी डायरी पे लिख दूँगी। दिस हेल्प्स हिम इन इम्प्रूविंग हिज राइटिंग एंड रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही कुड फॉरगेट इफ ही डिड नॉट राइट देम डाउन। यहाँ देखिए डायरी के बेनिफिट बता रहे हैं कि वो डायरी क्यों लिखता है। बेनिफिट क्या है, डायरी हेल्प्स यानी दिस हेल्प्स हिम इन इम्प्रूविंग हिज राइटिंग। पहली चीज़ जो हमने आपको भी बताई थी कि इससे क्या होता है, इट मेक्स राइटिंग बेटर, कि राइटिंग डायरी से राइटिंग इम्प्रूव होती है। एंड इन रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कोई चीज़ हम लिख देते हैं, फिर कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, दोबारा अपनी डायरी खोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। दैट ही कुड फॉरगेट इफ ही डिड नॉट राइट देम डाउन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम भूल जाते हैं लिखना कभी कभी, तो वो फिर हम दोबारा से लिख भी सकते हैं। तो इसी तरह उसने इसी तरह ना कि जैसे हम कभी कुछ भूल जाते हैं तो हम दोबारा उसको लिख सकते हैं, क्या हमें याद आ जाती है, इसी तरह से क्या है, दैट ही कुड फॉरगेट इफ ही डिड नॉट राइट देम डाउन। डायरी लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि
कुछ चीज़ें। सो इससे क्या पता चला कि हम अगर नहीं लिखते तो हम वो चीज़ें हमारे आंखों से ओझल हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं ना। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो उसने जो मेमोरी हमने लिखी थी उससे हमें चीज़ें याद हो गई। ओके नाउ क्या है, रीड द फॉलोइंग डायरी एंट्री बाय शामान टू सी व्हाट ही डज एंड हाउ ही डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन स्टडी वर्क एंड प्ले। अब हम क्या नेक्स्ट हमारा रीडिंग टेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग, अब हम पढ़ते हैं रीड द फॉलोइंग डायरी एंट्री पढ़ते हैं शाबान की और देखते हैं टू सी व्हाट ही डज कि वो क्या करता है एंड हाउ ही डिवाइड्स हिज टाइम किस तरह उसने अपने वक्त को तकसीम किया हुआ है, बांटा हुआ है किसके दरमियान, स्टडी वर्क एंड प्ले पढ़ाई काम और खेल। सो नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 60। यस स्टूडेंट दिस इज पेज नंबर 60। नाउ लेट्स सी हम शाबान की डायरी एंट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डायरी एंट्री हियर ही हैज रिटन हिज नेम, डे किस डेट को लिखा और कौन सी डेट थी, इज इट क्लियर क्लास। नाउ लेट्स रीडिंग विद मी, अब हम रीडिंग आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए। डियर डायरी, लास्ट सैटरडे आई बिगन वर्किंग एट अ लोकल मिल्क शॉप आफ्टर स्कूल। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग्स एंड कम बैक होम एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। आई से माई प्रेयर्स एंड देन आई हैव लंच। आफ्टर लंच आई हेल्प माई एल्डर सिस्टर क्लीन आवर होम एंड देन शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। After that, I go for my Quran classes. My evenings are free after my Quran classes. So my father spoke to the owner of the Allahwala milk shop, a shop near our house, to allow me to work there. He agreed to let me work in his shop for 2 hours daily. Is it like every day? Okay? ओके क्लास यहाँ तक पैराग्राफ हम रखते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी रीडिंग बार बार करेंगे एंड जिस तरह आपको हमने लास्ट टर्म में भी आपको कहा था कि आपको मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। लास्ट सैटरडे आई बिगन वर्किंग, अच्छा ये डायरी शाबान ने लिखी है और वो अपना सारे रूटीन बता रहा है, ठीक है। सो लास्ट सैटरडे पिछले हफ्ते आई बिगन वर्किंग एट अ लोकल मिल्क शॉप आफ्टर स्कूल, मैंने मिल्क शॉप पर काम करना शुरू किया आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मैंने एक शॉप पे शुरू किया काम करना। एक लोकल मिल्क शॉप मतलब करीब में या कोई इलाके की ही मिल्क शॉप, दूध की दुकान, ठीक है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग्स, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ एंड कम बैक होम एट 1 o'clock और वापस कब आता हूँ, 1 बजे इन द आफ्टरनून दोपहर में। आई से माई प्रेयर्स एंड देन आई हैव लंच, फिर मैं नमाज अदा करता हूँ। अच्छा कौन सी नमाज होती है जी, जोहर की। सो वो जोहर की नमाज पढ़ता है। आई से माई कहता है मैं जोहर की नमाज या आई से माई प्रेयर्स, मैं नमाज अदा करता हूँ। Then I have lunch, फिर मैं खाना खाता हूँ। After lunch, lunch के बाद I help my elder sister clean our home. After lunch क्या करता है, अपनी बहन की मदद, यानी I help my sister, मैं अपनी बड़ी बहन की elder, बड़ी बहन की सफाई घर की, clean our home, घर की सफाई में मदद करता हूँ। And then she helps me with my homework. और फिर वो जो बहन है शी हेल्प करती है, मदद करती है मेरे काम में, होमवर्क में, जो स्कूल का होमवर्क मिला होता है उसमें उसकी वो मदद करती हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आई गो फॉर माई कुरान क्लासेस, पढ़ने के बाद स्कूल का काम करने के बाद मैं जाता हूँ कुरान क्लासेस में। माई इवनिंग्स आर फ्री, माई इवनिंग्स मेरी शामें थोड़ी फ्री होती हैं आफ्टर माई कुरान क्लासेस, कुरान क्लासेस के बाद मेरी शामें।
फ्री होती हैं, यानी कोई इसमें उसका कोई काम नहीं होता. सो माय फादर स्पोक टू द ओनर ऑफ द अल्लाह वाला मिल्क शॉप. मेरे अब्बू ने ओनर मालिक को कहा था कि अल्लाह वाला मिल्क शॉप, अल्लाह वाला मिल्क शॉप दूध की दुकान का नाम है, ठीक है. उसमें उसके ओनर को कहा कि क्या कहा, ओनर शॉप नियर आर हाउस. लोकल का आपको बताया था ना, तो वो यही था कि शॉप नियर आर हाउस, उसके घर के करीब ही एक शॉप थी, दूध की दुकान थी, अल्लाह वाला मिल्क शॉप. तो वहाँ उसके वालिद ने वहाँ के ओनर को क्या कहा, टू अलाउ मी टू वर्क देयर, कि वो मुझे इजाज़त दें वहाँ पे काम करने की, ठीक है. ही अग्रीड टू लेट मी वर्क इन हिज शॉप फॉर 2 hours एवरी डे. ही ओनर, ओनर मिल्क शॉप का ओनर यहाँ पे बोले कि ही अग्रीड टू लेट मी, यानी उस ओनर ने मुझे काम करने की इजाज़त, उस काम करने की इजाज़त के लिए वो राज़ी हो गए, अग्रीड राज़ी हो गए. हिज शॉप फॉर 2 hours एवरी डे, कितने घंटे के लिए, जी इनकी दुकान पे 2 घंटे काम, रोज़ाना काम करने के लिए वो ओनर राज़ी हो गया. स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. हमने यहाँ तक रखा है, आप भी इसको यहाँ तक मार्क कर लीजिए, ठीक है. यहाँ आई होप यू विल रीड इट अगेन, इसको आप दोबारा पढ़ेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसके छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे, इसको फाइंड आउट करें डिक्शनरी से एंड गेट उर्दू मीनिंग्स आप करें. आपको हमने पहले भी प्रैक्टिस कराई थी, आई होप यू विल डू इट. सो पेज नंबर 59 और 60 की रीडिंग को आप दोबारा करेंगे. नोट डाउन द होमवर्क इन योर डायरी. यस स्टूडेंट्स, नोट डाउन द होमवर्क, रीड पेज नंबर 59 एंड 60. आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे ऑफ यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 की रीडिंग को दोबारा करेंगे. आई होप यू विल डू इट वेल, इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे, और इसकी रीडिंग करेंगे, जितना रीडिंग करेंगे उतना आपको फायदा होगा. I hope you will do it because you are good students. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.